चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो शीट सर है, तो क्या क्या है उसमें? देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। ये अपन उस समय पढ़े थे सारी प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी द प्लेन मिरर है, मेक अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, लेटरल इन्वर्जन होगा, फिर सेम साइज सेम डिस्टेंस। ठीक है, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से उतने डिस्टेंस पे इमेज मिरर के पीछे रहेगी। ठीक है, सेकंड देखना कितनी है सर दिखा, क्यों नहीं रहा तो लाया क्यों शीट, घर पे रखने लगा नहीं आना शीट को पीछे लो, एक शीट है ना सबके पीछे, दो लोग के बीच में एक शीट। हाँ सेकंड देखो, इसको भी लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन को, 23 में इसको भी इन्वॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो, फोर प्रॉपर्टीज बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या क्या लिखे? वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, और बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, ओके, दो और डिस्प्ले, इमेज इमेज, ओके, और क्या लिख सकते हैं? अपराइट बन गया वो, वो तो इरेक्ट हो गया ना, इरेक्ट और कुछ विमनेश भी बोल दिया ना, विमनेश चुके हैं। हाँ मैग्नीफिकेशन क्या? पॉजिटिव, हाँ मैग्नीफिकेशन उसका पॉजिटिव होगा है ना, मैग्नीफिकेशन विल बी पॉजिटिव। लिखे चौथी, जो नहीं लिखा है वो लिखो, चौथी प्रॉपर्टी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। इसमें क्या क्या लिखे हैं? कॉनकेव मिरर बोला है ना? अच्छा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ओके, क्या क्या है इसमें? वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, ओके, और इमेज फाइल इमेज पे सॉरी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इरेक्ट एंड, ठीक है चलिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, redraw the given diagram, show the path of the refracted ray. क्या जाएगा ये ऑप्टिकल सेंटर पे जा रहे हैं ना, फोर्थ क्वेश्चन, इट विल गो अनडेविएटेड, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट अगेन, हाँ ये आपकी फोकस से पास होते जा रही है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस और जो रे आ रही है वो एफ वन से पास होते आ रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू इंसिडेंस। बनाया हुई है डायग्राम, हाँ वो ऐसा कॉपी कर, कहाँ है जो कुछ हो, वही नहीं बनाया फोर्थ फोर्थ में वो, ठीक ठीक ओके नेक्स्ट। तो 23 में ये क्वेश्चन था, तो नहीं बना, फिर हो गया। सिक्स क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है आपको, सिक्स क्वेश्चन में कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है? अच्छा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ऑब्जेक्ट रखा है सी और एफ के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी, कैसी एनलार्ज्ड इमेज की, इमेज एनलार्ज मैग्नीफाइड, ठीक है,
ये बन गया सबका, कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर सिक्स में? हाँ आगे बढ़ो. Which kind of mirror are used in the headlights of a motor car and why? Headlight पूछा ना, rear में भी पूछा है बेटा. Rear में पूछा है तो convex का आंसर headlight में concave होता है. कौन सा होगा? Concave mirror. ठीक है. ऐसा कुछ होता है ना उसमें placement. यहाँ पे mirror होता है concave mirror. ठीक है. और उसके focus में headlight होती है ताकि जब ये लाइट इसमें इंसिडेंट हो तो वो पैरेलल तक जाए, मतलब इंफिनिटी तक, एंड तक वहां पहुंच जाए. ठीक है. तो ये कॉनकेव मिरर, फिर ये बाहर से कवरिंग होती है हेडलाइट की. समझ गए. सो नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाई अ पेंसिल पार्टली इमर्स इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस. बनाए कहा है? ठीक नहीं बना कि समझ नहीं आया. देखो इधर, ये जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो दिख रहा है. अब उसके अंदर पीछे फिनोमिना क्या है ध्यान देना. पेंसिल एक्चुअली में ऐसी पड़ी हुई है. ठीक है. यहां से हम देख रहे हैं तो जो रे एक्चुअली जा रही है, देखो ये रे यहां से गई, हमें पता है वो बेंड होगी बिकॉज रिफ्रैक्शन होने वाला है. बेंड होके वो कुछ ऐसे वहां तक पहुंचेगी, पर हम तो स्ट्रेट देखेंगे, हम कैसे बेंड होके देख सकते हैं, राइट? तो हम जब स्ट्रेट देखेंगे तो हमें पेंसिल ऐसा लगेगा कि ये जो दो रे आ रही है इनको जब पीछे एक्सटेंड किया जाएगा तो वो यहाँ मीट करेगी. दैट मींस निकल तो रही है रे यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो रेज यहाँ से निकल के फिर बेंड होके यहाँ जा रही है. बट हम जब देखेंगे स्ट्रेट तो हमें वो लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से आ रही है, तो पेंसिल थोड़ी ऊपर अपीयर होगी तो एक्चुअली वो बेंड होगी. ठीक है. समझ गए डायग्राम? तो मतलब जो रेज निकालनी है ना एक्चुअल वाली, वो नीचे पेंसिल से निकालनी. तो जब तक वाटर में जब तक स्ट्रेट बनाना, और वाटर से जैसी वो बाहर गई बेंड कर देना. वाटर से एयर ना पेंसिल टू रेयर रहेगा, समझ गए? रिफ्लेक्शन करवाना और आंखों के पास लेके जाना. और आंखों में तो वो डाइवर्जिंग हो रही है, बट जब आप पीछे लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे उन लोगों को मीट कराना. तो जहां मीट होगी ना, ये वाला पॉइंट एक्चुअली वहां शिफ्ट हो चुका. ये वाला पॉइंट जहां से रे आ रही थी वो कहाँ दिखेगा आपको? एक्चुअली में यहाँ दिखेगा. है कहां वो? रियल में कहां है वो? नीचे. ये उसकी अपेरेंट पोजीशन है. क्या है? अपेरेंट अनरियल. ठीक है. क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 9. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. पहला तो वही हो गया हेडलाइट ऑफ अ कार कॉनकेव. ठीक है. सेकंड रियर व्यू मिरर कॉनवेक्स. ठीक है. फिर सोलर फर्नेस कॉनकेव. सोलर फर्नेस में भी कन्वर्ज करता है ना, तो वो कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, आपका खाना जल्दी बनेगा, हीट मिलेगा खाने का. ठीक है. आगे बढ़े फिर. ये क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल बना सबसे एवरीवन, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने ऑनलाइन है, ऐसा कोई जिससे क्वेश्चन नहीं बना. पूछी तो रहा हूँ जितने से आए. कुछ बोल रहा है क्या अनिश? आदित्य बन गया सर. बन गया. क्या आंसर आ रहा है आदित्य? जी आंसर क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया आदित्य? और हाइट ऑफ द इमेज सर 15 सेंटीमीटर.
इमेज डिस्टेंस है और सर 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। माइनस 60 है ना? यस सर माइनस 60। और हाइट क्या आ रही है इमेज की? सर इमेज की हाइट बता रहा हूँ सर 1.25 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे आपका यू आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर एंड एच आई आएगा कितना बोल रहे हो? 1.25 वर्चुअल इमेज बन रही है। कॉनकेव लेंस है ना? ठीक है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, जैसे कॉनवेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, वैसे ही कॉनकेव लेंस भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। ये तो हमेशा याद रखना है, कॉनकेव लेंस या कॉनवेक्स मिरर, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ठीक है चलो, कब से हो गया? ओके है, श्योर बनाए एक भी नहीं, क्यों? तो मैं तो शेयर किया था ऑनलाइन, तो शीट में तो आना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप आए नहीं, आप थे रास्ते रास्ते, तो मैं तो ये ग्रुप में भी शेयर किया था, कम से कम जो नहीं आए वो ग्रुप से बनाएंगे शीट को। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। हाँ इसको क्या ये बना क्वेश्चन नंबर 11 सबसे? हाँ ईशा बन गया, कैसे बना है? उससे बनाया ईशा? हाँ क्या आंसर आ रहा है? फोकल लेंथ 7.14 पॉजिटिव मिला, कॉन्वेक्स है 7.14 सेंटीमीटर। ठीक है के बाद और कुछ निकालने बोला था क्या? ये बोल नहीं आ रहा 7.14। चलो सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ? यस सर 7.14। चलो निकालते हैं एक तरफ, यू कितना रहा आपका? तो इसके बाद क्या बदलो? फोकल लेंथ क्या है? 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u। तो 1 by f v कितना दिया हुआ है? 10। कॉन्वेक्स है ना तो उस साइड ही बनेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन माइनस 25 राइट, एलसीएम विल बी 50 ना। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 10, 35 अपॉन 250, या फिर f इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 35, 7 पॉइंट समथिंग कैसे आ रहा है? 50। ठीक है, उसका आंसर है फोकस कितना है f 7.14 एंड यू आपका है माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे रेड डायग्राम थे ना? किसके थे ये? अच्छा अलग अलग सब सारे बन गए पांचों, तो पांचों अपन किए हुए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन कौन किया मेरा, वहीं पे इमेज बनेगी कर्वेचर पे ही। आयो ऐसी डिफिकल्टी नेचर बताने में, तो इमेज अगर बन गया तो फिर नेचर बताने में क्या दिक्कत है? कौन से में प्रॉब्लम है बताओ प्लीज? कौन सा? एक्ट टू एफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है हाँ चलो उधर जाओ मेरा सब, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ वन, दिस इज टू एफ वन। ठीक है, ये रहा आपका F2 and this is 2F2, object at 2F1। ठीक है, तो पहला रूल अपना लगेगा parallel to principal axis passing through focus, और दूसरा ये वाला था तो सिंपल वाला रूल। ठीक है, तो इमेज यही नीचे बनेगी
एट टू एफ टू कुछ मेजरमेंट में कन्वर्ट किया गया, ये सारे जो डिस्टेंस आना ये बराबर आने चाहिए, ठीक है, तो बनेगी इमेज। इससे मैंने उसने बोला था कि स्केल पेंसिल यूज करके बनाना है डायग्राम, इतने भी डायग्राम आएंगे, ठीक है, और आपको पहले से पोजीशन पता रहेगी तो आप बना भी देना। फॉर एग्जाम्पल आपसे ठीक से नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा, जैसे मेरा पैर नहीं आ रहा था, मुझे पता था कि इमेज नहीं बनेगी, तो बस को बनाया, नहीं आ रहा है तो लाओ, ठीक है, नहीं आ रहा है तो कारण यही हो सकता है कि आपने मेजरमेंट प्रॉपर नहीं दिया, बस यही कारण हो सकता है, ठीक है। अब नेचर बताना है तो नेचर देखो, ऑब्जेक्ट आपका था ए बी, इमेज बनी है ए डैश बी डैश, तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, पहला। सेकेंड सेम साइज, ठीक है, और कुछ कहाँ बनी है तो एट टू एफ टू, बस इतना बताना है। और कौन सा बोल रहे हो उसी में, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस बोल रहा है मतलब कहीं पे भी रख दो इंफिनिटी के पहले, कोई सेकेंड केस, ये आपका चलो यहीं पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। तो पहला रे ऐसा गया, डाइवर्ज हो गया ऐसा, ठीक है, बट इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है, ये फोकस समझ लो एफ वन, ठीक है, और दूसरा सीट स्ट्रेट ऐसा पास करा दो, तो ये रही इमेज। कैसी है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। तीन चीजें बतानी है, लोकेशन, साइज बड़ा है कि छोटा है ऑब्जेक्ट से, और तीसरा वर्चुअल है कि रियल है, ठीक है। इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लिए, चलो नेक्स्ट 13 में आ जाओ। 13 इफ अ लाइट ट्रे, ऊपर डायग्राम दिया है ना 13 में, इफ अ लाइट ट्रे आई एम is incident on the surface AB as shown, identify the current emergent ray. कौन सी emergent ray है इनमें से? NP की, NQ की, NR? NQ, क्योंकि वो NQ है ना, वो किसके parallel दिख रही है? It is looking parallel to OS. समझ रहे हैं ना? और हमने proof किया था कि incident ray should be parallel to emergent ray. तो NQ ही है line जो OS के parallel दिख रही है. Therefore, NQ is the correct emergent ray. Am I clear? सबका बना गया ना? Next question number 14 देखो, ये भी ray diagram ही है क्या? Draw ray diagram to represent the nature, position and relative size of the image formed by a convex lens for the object placed at 2f1. अभी बनाया था मैं पीछे 2f1 वाला, 2f2 का बनेगा and between f1 and optical center of the lens. ये virtual वाला case है. कौन सा वाला case है ये? वर्चुअल इमेज का केस ही है, समझ रहे हो ना? जो उसी साइड बनेगा, पीछे बनेगा, मैग्निफाइड होगा, वर्चुअल ही रहेगा, हो जाएगा? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अ रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली ऑन अ इंसिडेंट, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब कोई एंगल से घुस रही है, ठीक है, 90 डिग्री नहीं आ रही, एक एंगल से आ रही है। ऑब्लिकली ऑन अ फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन एयर emerges from the opposite face parallel to the incident ray. State two factors on which lateral displacement of the emergent ray depends. मैं बताया था उसे। एक thickness of that slab, slab कितना मोटा है, कितना पतला है, और दूसरा incident का angle, angle of incidence. हो सकता है वो। Refractive index layer. ठीक है? चलो next. Question number 16 बना क्या? नहीं बना। ओके चलो 16 देखते हैं क्या है। बन गया। ओके ठीक है, 16 क्या है बोला, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि उसका एचओ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इस प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो ये आपका दिया है यू, दैट इज -30 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर बोला है तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, नेगेटिव मैंने बोला था ना, नेगेटिव मीन है कॉनकेव मिरर हो या लेंथ हो, ठीक है। उसके बाद At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? V निकालना है, क्यों नहीं बना, ये तो simple formula लगाना था, mirror formula। हाँ?
टू एरिया भी है जब साथ साथ मिरर लिखा हुआ है तो ठीक है। तो ये क्या होने वाला है आपका मिरर फॉर्मूले से ये तीनों को यूज करके भी निकल जाएगा कितना रहे भी -30 सेंटीमीटर ठीक है। ये मान नेगेटिव साइन बस साइड बता रहा है ना बाकी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है। ये आपसे पूछेगा कि इमेज कहाँ बन रही है तब हम क्या बोलेंगे 30 सेंटीमीटर का मिरर ठीक है ऑन द सेम साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है कि वो पीछे है कि आगे बाकी डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है ना ठीक है। ओके और दूसरा क्या निकालने बोला है अच्छा ये जो V30 होता है ये 2F में पड़ा हुआ है ना दिख भी रहा है ये F है ये 2F है मतलब C मिरर में क्या बोलते हैं उसको अपन C ठीक है। तो सेम साइज का बनेगा इसका रे डायग्राम बन जाएगा रे डायग्राम कॉनकेव का अपन जो थर्ड केस देखे थे थर्ड था ना एट इंफिनिटी बियॉन्ड C एट C एट C वाला केस बना रहा है इसको ठीक है बनाए हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये बना क्या चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई यानी कि एच ओ अगेन 2 सेंटीमीटर इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन 64 सेंटीमीटर में पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन ओके ऑन प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट इज फाउंड दैट अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन तो आपको हाइट निकालना है इमेज का देखो 2f वाला केस है देखो क्या बोल रहा है आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है इसके इससे 64 सेंटीमीटर पे स्क्रीन पड़ी है मतलब यहाँ पे ठीक है देखो ये इधर निकालो तो ये ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर उसके सामने 64 सेंटीमीटर पे क्या पड़ी है स्क्रीन और बीच में बोल रहा है 32 सेंटीमीटर पे आपने क्या प्लेस किया है कॉन्वेक्स लेंस और जब ऐसा किया तो यहाँ पे इमेज बन रही थी इमेज स्क्रीन पे मतलब 32 इधर 32 इधर 2f वाला केस तो f क्या हो जाएगा इसका 32 अपॉन 2 16 सेंटीमीटर माइनस में सॉरी प्लस में ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है हाइट पूछा है इमेज का सेम होगा इस केस में तो सेम साइज बनता है ना इमेज का तो 2 सेंटीमीटर बस माइनस कर देना क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है ना ठीक है तो 2 सेंटीमीटर ठीक है ऑब्जेक्ट का हाइट तो 2 सेंटीमीटर है इमेज का हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही है ठीक है तो 2 सेंटीमीटर ही लिखना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप लोग ना कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव में आंसर ना चलेगा बट फिर एक लाइन लास्ट में लिख जरूर देना तब उस समय डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लिखना हाइट को पॉजिटिव ही लिखना ठीक है। आपने किया तो एच ओ आपका प्लस 2 है आपने हाइट निकाल दिया माइनस 2 ठीक है बट नीचे लिखोगे कि हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर समझ रहे ना नेगेटिव आंसर आ जरूर आया हमारे फॉर्मूले से बट फाइनल आंसर लिखते समय उस डिस्टेंस को पॉजिटिव ही बताना ठीक है। चलो व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इसका रीजन क्या है लाइट की स्पीड लाइट रिफ्रैक्शन ही है रीजन रिफ्रैक्शन तो ये तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है आपसे रीजन पूछ रहा है तो रीजन क्या होगा लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी अगर वो एयर में स्पीड चल रहा है और अचानक से वो दूसरे मीडियम में घुसा जहां उसकी स्पीड ज्यादा है या कम है कमी होगी ऑब्वियसली एयर से इतना नहीं जा रहा है तो उस केस में वो बेंड होगा जहां लाइट की स्पीड चेंज हुई वहां पे लाइट बेंड होगी ठीक है। आगे देखो रीड ऑल द डायग्राम गिवन बिलो इन आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस क्या होगा पैरेलल ये कॉनकेव है ना ऐसा कुछ है ना आपका डायग्राम दिस इज कॉनकेव लेंस ये आपका फोकस है एफ और लाइट पे कुछ ऐसी आ रही है ऐसा लग रहा है कि इट इज गोइंग थ्रू फोकस तो ये पैरेलल ठीक है पीछे तो नहीं बना दिया लेंस है तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 ये बना सबसे
आंसर क्यों भाई, इसके पहले के न्यूमेरिकल ऐसे ही है, क्यों नहीं बना? चलो ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर f = 10 + 10 ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। u आपको निकालना है और v आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस बोला है ना, ठीक है पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि इमेज रियल और इनवर्टेड है। इमेज रियल इनवर्टेड है मतलब वो अपोजिट साइड नहीं बनेगी राइट, क्योंकि वर्चुअली रेक्ट इमेज उसकी साइड में बनती है ना लास्ट केस, तो बाकी सारे केस में तो इमेज उस साइड ही बन रही थी, मतलब हर केस में भी पॉजिटिव ही था ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ओके। और क्या बोला है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई। HO दिया हुआ है प्लस 2 सेंटीमीटर ठीक है ओके, इतना डेटा है तो यू निकालना है, नहीं निकलेगा। 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u, कितना रहा है f और u minus 20 सेंटीमीटर। देखो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस से बन रहे हैं ना, ये 3 और 2f वाला केस, कौन सा केस है ये, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 आया इमेज भी 20 पे है, मतलब ये 2f वाले जो केस है जहां पे f का मतलब 10 है, देखो यही देख के समझ जाना चाहिए, ये करने का भी जरूरत ना पड़े यही देख के समझ में आना चाहिए, भले ही करो कर लो है ना, बट हमको यहीं पे क्लियर होना चाहिए कि 10 है तो 2f 20 होगा, तो ऑब्जेक्ट 2f में होगा तभी इमेज भी 2f पे बनती है। ये v का 20 का मतलब क्या है, 2f ही तो है 2 into 10 ठीक है, बाकी ये डायग्राम बन जाएगा सेम साइज होगा तो हाइट भी h i कितना आएगा 2 सेंटीमीटर ठीक है। मैं बोला क्या लास्ट में कि हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, आप निकालते समय नेगेटिव निकालो फॉर्मूले से, बट लिखते समय लास्ट में 2 सेंटीमीटर ही लिखना है, माइनस 2 सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस नहीं होता या हाइट नहीं होता, आप आगे से जब बिंदु कैसे लगाओगे तो मैं जमीन को मैं घुसा लोगे है ना ठीक है। चलो 21 प्रश्न नंबर 21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, पता ये क्या आ रहा है, निकालना था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर क्या दिया हुआ है, एन डब्ल्यू दिया हुआ है 1.33, कुछ नहीं होता है तो एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बताया था लास्ट क्लास में है ना, और आपको स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है एयर में 3 × 10⁸, नहीं भी दिया रहेगा तो भी हमको ये पता है ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फॉर्मूला क्या होता है, एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू ठीक है, बस इसको इधर ले आओ, BW is equals to 3 × 10⁸ upon 1.33, कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन वाटर का, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ग्लास है, अभी पूरा सेम है, इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸, आ रहा है लक्ष्य बनाए क्यों क्यों चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, फॉर विच पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आखिरी केस था ना बिटवीन ओ एंड एफ, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ओ एंड एफ हो जाएगा रे डायग्राम। चलो नेक्स्ट 24 बनाया कोई, तो 23 बोला तो सिर्फ 23 लाके छोड़ दिए, 23 मेरे बोलने का मतलब जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको ट्राई करते कम से कम, दूरी को लिख के क्या मतलब है 24। चलो इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द नॉर्मल ऑन वन फेस ऑफ द स्लैब after refraction strikes the opposite face of the slab before emerging out into the air making an angle of 40 degree from the normal, draw a label diagram to show the path of this ray, what value would you assign to the angle of refraction and angle of emergence। चलो ध्यान देना, द
क्या बोला है, एक बार रीड कर लो जिनको समझ में नहीं आया, एक बार रीड कर लो जल्दी से। हाँ, पर कौन सा क्या एंगल है एक बार समझ लेते हैं। ये एंगल क्या दिया हुआ है 55 डिग्री, और ये एंगल दिया है 40 डिग्री। आपसे ये और ये पूछा है, तो ये एंगल ई होता ना, एंगल ऑफ इन्वर्जन अपन कैलकुलेट किए थे ना, आई इक्वल्स टू ई क्यूब किए थे। इसी तरह अपन बोले थे कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती है, तो एंगल ई इमर्जेंस एंगल हो जाएगा 55 डिग्री, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 40 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना देना जो अपन बनाए, ठीक है, उसको लिख के समझाना ना ऐसा क्यों आपने किया, आपने एंगल ई को 55 क्यों बोला, क्योंकि एंगल आई और एंगल ई बराबर होते हैं। प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, है ना, प्रूफ करने पूछेगा तो प्रूफ करना है, तो उनको से कुछ बताना है ना, और आप ये एटलीस्ट बताओ कि आपने 55 क्यों दिया, बिकॉज इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 55 डिग्री। ठीक है, और फिर इसी डायग्राम में ये दोनों को दिखा देना कि दिस एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, so this 40 degree. ठीक है, ये शायद मैं एक बार मैं टेस्ट किया था लाइट का, कभी क्वेश्चन दिया नहीं था, तो शुरू में जब मैंने लाइट पढ़ाया था ना, तो लाइट का टेस्ट लिया था मैंने, तो ये क्वेश्चन था उसके पर। हां, आई डोंट नो, मैं बता रहा हूं आज पूरा करेंगे 40। ठीक है, हां चलो 25th क्वेश्चन नंबर 25th अब ट्राई करोगे क्या, एक बार बन जाएगा तो, है ना, 25th ट्राई करना, बोला मार लो। ठीक है, 25th बनाना है, इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर, सब ऐसी क्वेश्चंस हैं। 26 देखो, 26, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3। अब समझना मैग्निफिकेशन होता क्या है, ध्यान देना, HI अपॉन HO या फिर -V/U, मिरर है ना, माइनस लगता है। अब बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 है, प्लस थ्री है मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तभी हो सकता है +3 आया ना, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर में पांचों केस में इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो एक ही केस है जहां पे इमेज इरेक्ट बनती है, उसी केस में आपका HI पॉजिटिव आएगा, बाकी सब केस में तो HI नेगेटिव ही है, तो हर केस में एम का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, कौन कौन से हर केस में, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड एट एफ, सब में m का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हर बार रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनेगी। तो रूल क्या है या थंब रूल क्या है अपना इस क्वेश्चन के लिए, कि रियल इन्वर्टेड इमेजेस का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका नेचर क्या हो जाएगा, द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, और m का वैल्यू जहां ग्रेटर देन 1 आया मतलब एनलार्ज, m का वैल्यू जहां ग्रेटर देन 1 है मतलब एनलार्ज, जहां लेस देन 1 है वहां पे। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, क्लियर है। 27, बिटवीन विच टू पॉइंट्स ऑफ अ कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -3। अब देखो -3 बोला है मतलब रियल इन्वर्टेड, और 3 बोला है मतलब बड़ी इमेज चाहिए, है ना, बहुत बड़ी इमेज आएगी ना सी और एफ के बीच में, क्योंकि देखो जब सी और एफ पे रखते हो तो मैग्निफाइड इमेज बनती है बियॉन्ड सी, है ना, वही अलग केस है। ठीक है, देखो तीन केस में अपन ने पढ़ा था कि इमेज बड़ी बनती है, दो केस में पढ़े थे इमेज छोटी बनती है, और एक केस में पढ़े थे कि इमेज बराबर बनती है। अब जो तीन केस में पढ़े थे जो बड़ी इमेज बनती है उसमें एक तो वर्चुअली है उसको तो छोड़ दो क्योंकि माइनस बोला है, अब रियल वाली दो आती है, एक हाईली मैग्निफाइड है जो आप बोल रहे हो स्थिति, है ना, और एक है बीच वाली जो सी एंड एफ के बीच में रखते हैं। देखो आंसर क्या आएगा, बिटवीन सी एंड एफ, मेरा ही बोला है तो सी एंड एफ ही लिखना, अगर लेंस बोला होता तो बिटवीन एफ एंड टू एफ लिखते, समझ गया ना, वहां का सी यहां का टू एफ है, वहां का सी लेंस का टू एफ, अच्छा
define and show on a diagram the following terms related to a concave mirror. Aperture भी तो दिखा दोगे और radius of curvature भी दिखा दोगे, हो जाएगा? हाँ? चलो next question देखो. 29. अब बनेगा 29. देखो मैंने क्या-क्या बोला, अब ये 25 दिया था question कि आप लोग 25 try करोगे और second numerical हो गया 29. ये सबकी copy में next class में देखूंगा, question चाहिए मुझे. Solved. 25 then 29. हो जाएगा? Okay. Next 30. 30 भी लिख लो. फिर चलो 31 में आ जाओ. 31 जल्दी पहुंचे. डिफाइन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, हो जाएगा? फोकस क्या होगा कॉनकेव मिरर का, कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कम एंड मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. अगर कॉन्वेक्स मिरर के बता लोगे तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट इज और डायग्राम बना दे. ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाला, अगर मेरे सामने भी आंसर लिखो तो मैं डेफिनेशन छोड़ दूंगा, अगर डायग्राम बनाओ पर पढ़ूंगा कि डेफिनेशन में डाला भी लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा. और अगर आपने ये किया होगा तो ये करके अगर ऐसा दिखा दिया ना तो खत्म, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएगा. चेक करके यार राइट मारेगा, दो नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे समझ में आ रहा है कि आपको आता है. अगर आप डायग्राम सही बनाए हो तो कुछ शराब शराब थोड़ा लिखते हो, ठीक है? इस पे डायग्राम स्पीक्स अ लॉट. डायग्राम एग्जांपल एग्जांपल तो चलो पढ़ना पड़ेगा, पर डायग्राम तो दूर से दिख जाएगा. इसलिए हर बार डायग्राम बनाओ, अगर कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है ना तो डायग्राम बना लो, ठीक है? चलो फिर और उसके आगे क्वेश्चन और है इसी में. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी इट्स फोकल लेंथ. सिंपल है, हाफ हो जाएगा. फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. 30 दिया तो 15 हो जाएगा फोकल लेंथ, और प्लस 15 ही होगा ना, कॉन्वेक्स बोला है प्लस 15 होगा. चलो नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज, हो जाएगा ये. रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय डाइवर्जेंस. फिर रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. रियल इमेजेस आर इनवर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर इनवर्टेड. यूनिट क्या होती है इसकी? कुछ नहीं, दो यूनिट, क्योंकि आप स्पीड बाय स्पीड का रेशियो निकाल रहे हो ना, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा. तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, डिफेक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं है उसकी, है ना? फिर पूछा है विच हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास और वाटर? और वाटर क्या ग्लास और वाटर? ग्लास का 1.5 और वाटर का 1.33. ग्लास हुआ ना, तो वाटर हो जाएगा. वाटर बोल रहा, ग्लास होगा ना, अभी तो निकाल दो ना, 3/2 1.5, और वाटर में स्पीड ज्यादा है तो 3/2.25 तो 1.33. तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े. 35 हो जाएगा कि जल्दी देखो कहाँ बनाना है आपका P और F के बीच में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? और कॉन्वेक्स मिरर है ना, इंफिनिटी एंड पोल, सॉरी P एंड F के लिए कहाँ है? इंफिनिटी एंड पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, हो जाएगा. इमेज वर्चुअली आनी है, इरेक्ट आनी है, डिमिनिश्ड होनी है, मिरर के पीछे बननी, आया ना? कॉन्वेक्स मिरर का दो ही तो केस देखे थे,
और दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड बिहाइंड द मिरर. 36. What is meant by a power? Meant by power of a lens, or would I have power of a lens? Yes, reciprocal of focal length. उसके बाद state and define the SI unit of power of lens. Diopter को define करना है. 1D क्या होगा? ये 1D कब आएगा? The focal length 1 meter होगा, right? ये तो बस define करना है. ठीक है? हो जाएगा ये? बताओ आप ये बोला कि lens of focal length 100 centimeter. 1 meter मतलब 100 centimeter होगा ना? Has a power of 1 diopter. Has a power of 1 diopter. ठीक है? और power भी positive negative focal length पर depend करेगा. तो कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा. अभी अपन डिफरेंट पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, पिछले क्लास में तक उनको पता नहीं. ठीक है? और कॉम्बिनेशन निकालना पावर का, दो दो दिया है आपके पास. एक लेंस है 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स, और दूसरा एक कॉन्केव फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का. ठीक है, ये बनाओगे आप लोग. 36 का सी. ये चार क्वेश्चन दे दिया होगा ना, क्या कहना होगा ना, पर यहाँ पे दोनों को ऐड करना है ना, करना ना अपन को मीटर में भी कन्वर्ट करना है ना. हाँ, मीटर में कन्वर्ट नहीं किए थे. -6 डायोप्टर आंसर आएगा, पर ये करना है. ठीक है, 1 2 3 4 हो गया ना क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. 37 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट शोड एट द इंसिडेंट रे. बाकी तो सेकंड पार्ट तो हो जाएगा ना. लिख लो इसका आंसर, लिख लो. रिवर्सिबिलिटी लिख लेना, हालांकि आपको भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तब भी लिख लो बाई चांस आ गया तो. What is the principle of reversibility of light? The final path of the ray of light. The final path of the ray of the light of light after reflections or refractions. The final path of the ray of light after reflections or refractions is reversed. The ray retraces its entire path. The ray retraces its entire path. So this principle is called reversibility of light. The final path of the ray of light after reflections or refractions is reversed. The ray replaces its entire path. This principle is called reversibility of light. तो ये बोल रहा है कि अगर जिस पाथ से वो रिफ्रैक्ट होके जा रही है ना, अगर उस पाथ से इंसिडेंट कराओगे तो जहां से अभी इंसिडेंट हो रही थी उसी से रिफ्रैक्ट किया रिफ्लेक्ट होके जाए. ऐसा भी समझो, जैसे ये आपका मैं रिफ्लेक्शन से समझा रहा हूँ, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड हुई. अगर आप पाथ रिवर्स कर दो, इसको बना दो इंसिडेंट, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड. एकदम सेम दिख रहा है ना, इसको बोलते रिवर्सिबिलिटी. आपने अगर इसको रिवर्स किया ना, आपने इसका पाथ रिवर्स नहीं किया, ये रिफ्लेक्टेड थी, अब इसको आपने इंसिडेंट बना दिया, तो जो इंसिडेंट थी वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं. इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया कभी भी क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया था तो ठीक है, देख लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. ऐसा सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, अपन डेरिवेशन किए हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन सब समय. ठीक है, दो बार स्लैब लगाना, डायग्राम बहुत जरूरी है उसका, स्लैब का. ठीक है,
अगला 38 देखो, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट, हो जाएगा ये वो जो डिस्प्लेस हो रही थी पैरेलल होने के बाद, इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम लिस्ट एनी टू फैक्टर्स ऑन व्हिच ये भी हो जाएगा। अभी जो पीछे का क्वेश्चन है ये 39 बनाओगे, 39 हो जाएगा। हाँ 41 देखो, एक बार रियर व्यू मिरर का बताया है, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड फॉर अ रियर व्यू मिरर्स इन मोटर कार। पहला तो ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है ना, ताकि हमें बड़ी सी बड़ी गाड़ी या पूरा रोड हमें एक छोटे से मिरर में दिख जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद बाकी ऐसा भी देख सकता कि रोड का पूरा इमेज आ जाएगा, तो उसका व्यू है ना वो आपका एक एनलार्ज को वो एक स्मॉल व्यू बना रहे ना, इसका अपन बेसिकली कॉन्वेक्स में रखेंगे। चलो अगला देखो, कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम, टू कंस्ट्रक्ट होना चाहिए एक्चुअली, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू लाइट रेज करते हैं ना, which are so chosen that it is easy to know their directions after refraction from the lens. अभी तो second वाला अपन easy वाला बनाते हैं ना, center से pass करता है। वो ये बोल रहा है कि हमें पता है कि एक object का image बनाने के लिए मुझे कम से कम 2 ray चाहिए होता है, इसलिए अपन उसका diagram बनाते समय कोई easy rays लेते हैं, जिससे हमें उसका refracted या reflected part दिख जाए अच्छे से, right? List these two rays and state the path of these rays. After refraction, use these two rays to locate the image of an object placed between F and 2 ray focal lengths. अगर ये F और 2 के बीच में रखोगे तो कहाँ बनेगा इमेज? 2F2 के पीछे, 2F2 के पीछे। और दो रूल बता देना कोई से, वही दो रूल, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस और पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अंडर व्यू, बस ये दोनों रूल समझा देना और यही दोनों रूल को यूज करके F और 2F पे ऑब्जेक्ट करके रे डायग्राम बना देना, बन जाएगा। चौथा केस, चौथे केस का नहीं, चौथा केस भी, पांचवा अपन फिर F पे रखते थे और छठवा F और O के बीच, ठीक है। चलो 43 साइन कन्वेंशन समझाने बोला, हो जाएगा। हां 43, ठीक है। 43 का पर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बनाना है। पहला तो बोला लिस्ट द साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, उसके बाद जो बोला है ड्रॉ डायग्राम एंड अप्लाई दिस कन्वेंशंस एबीटी के, अच्छा नहीं उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका पूरा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर पर होगी। 43 लिख लो, 43 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 43, ठीक है। तुम्हारे को इसके बाद 44 देखो जल्दी से, 46 होमवर्क रहेगा, 44 45 देख लो जल्दी से। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू लाइट, ये भी सेम है क्या? अच्छा वो लेंस है मिरर का, ठीक है हो जाएगा। 45 रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं और शेविंग मिरर के लिए कॉन्वेक्स, ठीक है बस हो गया। आपसे रीजन पूछा था बता देना, रीजन कॉन्वेक्स का तो पीछे लिखे थे वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है, और यहाँ पे भी सेम रीजन होगा वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कॉन्केव में, ताकि हमें एक एक बार अच्छे से लिख के ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड 46 होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन और इसमें से ट्राई करोगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट नहीं है लाइव चैप्टर में तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन आई वाला चैप्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर लेंगे, ह्यूमन आई कर लेते हैं, एक दिन में हो जाएगा वो, ठीक है हो जाएगा। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके डाउट राइट में पक्का 100% ठीक। तो ह्यूमन आई अपना नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करते हैं, और अगर किसी को डाउट होगा लाइव में किसी भी क्वेश्चन में इनमें से या फिर कोई और शीट में से तो आप लोग पूछेंगे मेरे को नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और इसको पढ़ना चालू कर दो, उसका टेस्ट लूंगा मैं,
जल्दी थैंक यू टेस्ट एडिटिंग का अब रिवीजन करने की बात कर लेते हैं।